एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बना रहे हैं हम टोस्ट, वेजिटेबल टोस्ट। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बच्चों के लिए कोई भी सब्जी डाल सकते हैं इसमें, ज़रूरी नहीं है शिमला मिर्च डाले। शिमला मिर्च हर किसी बच्चों को पसंद नहीं आती, तो हमने डाली है इसमें गाजर। ये लिए मैंने मोजरेला चीज़, इसके आधा लिया है मक्खन, दो लहसुन की कलियाँ ली, इनको मैंने बारीक चोप काट लिया है, दो ब्रेड लिए हैं बारीक काट लिया है मैंने, धनिया, दो हरी मिर्च काट ली है बारीक, छोटा टुकड़ा मैंने गाजर का काट लिया। ये लिया मैंने बोल, बोल में हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके डाल देंगे। चीज़ का इसका ध्यान रखना है तो आपको फ्रीज में से निकाल के एक घंटे के लिए बाहर रखना है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड हो जाती है फ्रीज में रखने से। तो इसको निकाल के हमें रूम टेम्परेचर करना है, फिर ये अच्छे से मिक्स हो जाइए। अच्छे से मिक्स करके हमारा मसाला को हमें अच्छे से मिलाना है, इसको स्मूथ करना है, इसको जब तक चलाना है तब तक ये स्मूथ हो जाए। मसाला स्मूथ हो चुका, अब ये बनके तैयार है। ये लिया मैंने पैन, पैन को हमें एक साइड से ब्रेड को सेकना है। एक साइड से ब्रेड सिक चुका, हमें इस मसाले को लगाना है सिके हुए साइड की तरफ से। ताला लग चुका है ब्रेडों पे। अब हमें 5 मिनट के लिए पैन को हमने इसी तरह से प्री हीट पे छोड़ दिया है। प्री हीट हो चुका, अब हमें रख देंगे इन ब्रेडों को। इनमें ऑयल नहीं लगाना, कोई बटर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे ही रखना है। पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे हम इन्हें इस तरह से। कितने अच्छे बनके तैयार हुए, इसमें मेल्ट हो गई सारी चीज। ये हो गए तैयार, अब हमें कट करना है। देख कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, खाने में बड़ा लजीज लगता है। इसको एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, वेजिटेबल टोस्ट को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।